गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। रात को यहाँ पे स्टे किए थे हम लोग, बहुत ही अच्छा नींद आया, उठने का मन ही नहीं कर रहा था। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उठा हूँ मैं और टाइम हो गया 9:11। बाकी इन लोग से पूछते हैं, इन लोगों को कैसा लगा, नींद वगैरह आया कि नहीं, एग्जाम है इन लोग का, तो बहुत ज्यादा नर्वस है। मैं तो अच्छा से सोया, 12 बजे पूरा पढ़ के। 12 बजे सोया तू ना? मैं भी 12 बजे सोया, पता है 12 बजे सो गया, फिर 4:30 को ऐसे ही कुछ उठ गया, उसके बाद फिर रिवाइज किया, नींद तो कंप्लीट हो गया बस अब। पेपर फाड़ के आएंगे। और दुर्गेश लगा हुआ है एकदम सीरियस। सही है दुर्गेश, ऑल द बेस्ट, मस्त देखे आना पेपर। तो क्या हो गया, रेडी? अब ब्रेकफास्ट लेने के लिए जाना पड़ेगा, नानू और दुर्गेश के लिए यहीं पे लेके आएंगे अपन, देखते हैं तो हम लोग भी यहीं लेके आके खाते हैं। ये अपना गाड़ी अब थोड़ा साइड करना पड़ेगा, एक दो गाड़ी। ब्रेकफास्ट लेके होटल पहुंच चुके हैं हम लोग, इन लोगों को देखते हैं क्या कर रहे हैं। हाय गाइस, अरे हम होटल में पहुंच चुके हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिए हैं। अपने नानू और दुर्गेश अपने सीनियर से बेस्ट विशेस ले रहे हैं और उसको भी विशेस कर रहे हैं ऑल द बेस्ट करके। ऑल द बेस्ट पंकज। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो गया है 11:50, सॉरी नानू और दुर्गेश का एंट्री टाइमिंग हो गया है, तो अभी फिलहाल 10 मिनट में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, तो इनके सेंटर में छोड़ के फिर वापस आएंगे हम लोग। तो नानू तो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है, क्यों नानू? हाँ, इनका थोड़ा थोड़ा नर्वसनेस है, लेकिन इनके रूम में जाके देखते हैं। हम लोग हो गया ना सब चीज़ रेडी? चीट वगैरह ले जा रहे हो क्या? क्या चीट बनाया? चीट बनाया था, मैं जाऊंगा करी। हाँ बेटा, लेकिन अब मन तो नहीं कर रहा, चीटिंग करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन रात को ख्याल आया कर ही लेता हूँ। बोल हाँ, एक ही हो गया, अब रूम वगैरह लॉक करते हैं हम लोगों, चलते हैं सेंटर छोड़ने के लिए। चलते हैं अपन गाड़ी खाड़ी। नानू और दुर्गेश के सेंटर में पहुंच चुके हैं, देख लो क्या क्या कुछ सामान वामान भूल तो नहीं गए, है ना? पागल हो गया क्या गिम्बल? अच्छा, ठीक से लगा नहीं है यार, अच्छे से देना है इतना। अभी टाइम हो गया है क्या? जी जाता है। उन लोग तो पता नहीं कहाँ रखे, दोनों पैसे दे
तो भी फटाफट लंच करते हैं और खाने में है स्पेशल थाली। तो वहाँ अभी कुछ देर में चेकआउट करके डायरेक्ट नानू और दुर्गेश के पास चलेंगे, उसके बाद फिर वहीं से डायरेक्ट नारायणपुर निकलेंगे। रायपुर जाने का प्लान था लेकिन कुछ काम आ गया है तो कैंसिल हो गया, अब दो तीन दिन के बाद ही जा पाऊंगा ना। फिर से जीजा को खाता हूँ, वो भी सोए हुए। साढ़े चार हो गए, मतलब थोड़ा बैकिंग वैकिंग करते रहे। दस मिनट और बचा है, उन लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है, मतलब बाहर निकलने ही वाले हैं उन लोग, तो उन लोगों का रिएक्शन कैप्चर करते हैं। वो रहा दुर्गेश येलो पेपर, काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है पेपर वाला। और ये रहा अपना नानू, ये भी मस्त लग रहा है, कॉन्फिडेंट। बता बता कैसे गया, खुल गया एकदम? मेरा तो अच्छा गया, एकदम बना तो उतना ही आया, ज्यादा ना बनाया मैंने, कोशिश किया। प्लीज मूव साइड विद द टीम। तो अपना हो गया नानू का एग्जाम खत्म, तो अभी वापस चलते हैं अपन नारायणपुर। मेरा भी रायपुर जाने का प्लान कैंसिल हो गया। और कुछ बता रहा हूँ, भूख वगैरह अभी लगा है? बहुत भूख लगा है मेरे को तो, मेरा पेपर ना। क्या खाएगा, बिरयानी क्या, कुछ स्नैक्स वगैरह? कॉफी खाते हैं। चलो स्नैक्स वगैरह देखते हैं। अरे लीची, चल लीची खरीदते हैं। दो दो बार की आधा घंटा में पूरा भरा करके पकड़ो। चलो चलते हैं गाड़ी में, मेरे छोड़ना है कि क्या चीज़ माया की तब बड़ा तो इलेवन पढ़ के पढ़ के जाना था ना तेरे गलत। अपन गाड़ी खोलना पड़ेगा पहले। अपन अभी चौपाटी पहुंच गए हैं, वहां पर कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर वहां से निकलते हैं। सही पार। तो अपन स्नैक्स वगैरह कर लिए, थोड़ा हल्का भूख तो कम हो गया। क्यों नानू? अब गाड़ी में रास्ते में फ्यूलिंग वगैरह कराएंगे और फिर सीधे नारायणपुर चलते हैं, फिर मिलूंगा अब आपको नारायणपुर में। तो मिलते हैं नारायणपुर में। तो गाइस फाइनली नारायणपुर पहुंच चुके हैं हम लोग, और मैं जैसे ही घर के अंदर घुसा वैसे ही लाइट गोल हो गई, मतलब लाइट तो गोल नहीं हुआ, हाफ लाइट हो गया, तो कोई मतलब का नहीं लाइट का। तो हाँ इसी के साथ फिर बाय, मिलते हैं कल, गुड नाइट, सी यू।